नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपसे जुड़ पा रहे हैं लर्न फॉरवर्ड के पैदल कैप के माध्यम से। चलिए आज हम कक्षा 5 की उजास पुस्तिका हिंदी पाठ वाला 5 का पहली कविता आज हम पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक जो है वो कवि ने दिया है, उसका नाम है दया करो ये दयालु भव। आपसे सवाल है, आप मुझे बताइएगा कि जो ये शीर्षक है दया करो ये दयालु हे दयालु भगवान, आपको इससे क्या समझ आता है? अगर आप सोचे आप अपनी स्थिति शीर्षक के ऊपर विचार करें तो आप बताइए दया करो हे दयालु भगवान। यहाँ पे भगवान को क्या बताया गया है? दयालु बताया गया है। भगवान को क्या बताया गया है? यहाँ पे भगवान को दयावान, जो मदद करते हैं उनकी मदद करते हैं, इसलिए यहाँ पर एक प्रार्थना की गई है कि दया करो ये दयालु। चलिए ये है इकाई के घर परिवार और कविता का शीर्षक है दया करो ये दयालु। कहिए हम इस चित्र को देखेंगे। देखिए एक विद्यालय का चित्र है, विद्या मंदिर नाम से। यहाँ कुछ विद्यार्थी जो है प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, और प्रकृति को भी दिखाया गया है विद्यालय में किस तरीके से विद्यार्थी प्रार्थना करते हैं, उसका चित्र आपके सामने ये दिखाया गया है। चलिए बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस चित्र के माध्यम से बताया गया है कि बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि समाज में फैले भेदभाव, ठीक है, ध्यान रखिएगा समाज में क्या फैला हुआ है, पहला भेदभाव ईर्ष्या द्वेष, दूसरा क्या है ईर्ष्या द्वेष को दूर करते हुए एकता के सूत्र में बंधकर देश को समृद्ध और खुशहाल बनाने में सफल हो सके। यहाँ पर प्रार्थना की गई है कि विद्यार्थियों के माध्यम से प्रार्थना की गई है कि जो समाज में ईर्ष्या द्वेष है, जो नफरत फैली हुई है, जो अहंकारी लोग हैं, जो गलत विचारधारा को रखते हैं, जो गलत निर्णय लेते हैं, जो समाज को कहते ना कि एक नकारात्मकता की ओर ले जाते हैं, उनके लिए ये कहा गया है विद्यार्थी प्रार्थना कर रहे हैं ये सब चीजें समाज से खत्म हो जाए और एक शुद्ध समाज, ठीक है, खुशियों भरा समाज हमारे सामने, ठीक है, जिससे कि वह कर्तव्य पथ पर चल सके, देश की सेवा करते हुए जीवन सफल बनाकर जो है अब जो नकारात्मक चीज है उससे छुटकारा पाकर सकारात्मक विचारधारा को सबके सामने दयावान बताया गया है कि आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर कि आप दया करो हे दयालु भगवान, भारत के हम नन्हे बच्चे। यहाँ पर किसका जिक्र है? नन्हे नन्हे बच्चे जो है क्या कर रहे हैं? प्रार्थना, ठीक है, जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं तुमसे ऐसा वरदान। तुमसे कौन है? तुमसे का मतलब है, ठीक है, यहाँ पर तुमसे का मतलब कहा गया है ईश्वर, आपसे हम ऐसा वरदान, और वर का मतलब यहाँ पे क्या होता है? जात पात का भेद भुलाकर। कुछ चीजें यहाँ पर ध्यान रखने की ये बहुत ज्यादा जरूरी है जिनको मैं हाईलाइट कर देती हूँ और आपको चीजें आसानी से समझ आएंगी, ठीक है। देखिए जात पात का भेद भुलाकर, छुआ छूत का भूत भगाकर, ऊंच नीच का भाव हटाकर प्रेम सूत्र में, चार चीजों को ध्यान रखना है इस कविता की। कुछ स्टार्टिंग की शुरुआत की कुछ पंक्तियों में यहाँ लिखा है जात पात का भेद भुलाकर। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि जो समाज में फैला हुआ जात पात, ठीक है, इसका समाज पे बहुत ही ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इसीलिए हमें ये समाज से निकाल कर फेंकना, क्या निकालना है, वो इसी चीज की प्रार्थना कर रहे हैं कि जो समाज में जात पात फैला हुआ है,
जो भेदभाव है इसको भुलाना है, यानी इसको समाज से निकालना है। अगर ये समाज में ये बना रहा जात पात का भेद, छुआछूत का भूत, ऊंच नीच का भाव, ये सब अगर समाज में विद्यमान रहे तो समाज का विकास कभी भी संभव नहीं होगा। मैं बात करूं समाज के विकास में बाधा, तो आप इधर आइए, एक है जात पात, दूसरा छुआछूत, तीसरा ऊंच नीच, और अगला जो है इसको ठीक करने का जो एक कहते हैं ना नामवान है वो क्या है, प्रेम सूत्र। ठीक है, तो जात पात का भेद बनाकर जो समाज में जाति प्रथा है, जो लोग जो नकारात्मक विचारधारा के लोग हैं, जो गलत सोच रखते हैं, जो जाति प्रथा पे आर्थिक विश्वास करते हैं, जिससे इस समाज का विकास रुका हुआ है, उसका भेद भुलाना है, उसको समाज से निकाल कर बाहर फेंकना है। छुआछूत का भूत होगा, जो छुआछूत की बात की गई है, तो उसकी पक्षी को यहाँ बताया गया है कि जो छुआछूत की बात करने की बात कर रहे हैं, उसको भी विद्यार्थी ये छोटे छोटे बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं कि जो समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं इसमें से एक छुआछूत भी है, उसको भी उसकी जो जड़ें समाज में जमी हुई है उसको यहाँ से निकालकर बाहर फेंकना है, समाज को शुद्ध बनाना है। ऊंच नीच का भाव होता है, जो ऊंची जाति है, नीची जाति है, छोटे लोग बड़े लोग, ऐसी मानसिकता जो लोग रखते हैं, उनकी मानसिकता से ये भाव हटाना है कि समाज में ऊंच नीच, छुआछूत, जाति प्रथा जैसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, तभी जो समाज है क्या होगा, प्रेम सूत्र में बन पाएगा। प्रेम सूत्र मतलब प्रेम रूपी, ठीक है। अब एक बात बताइए, मेरा एक छोटा सा प्रश्न आपसे है, जब हम किसी से नफरत करें, हम किसी से घृणा करें, हमारे मन में किसी के प्रति प्रेम ना हो, तो क्या वह सामने वाला व्यक्ति हमारे बारे में अच्छी विचारधारा रख पाएगा? क्या हम दोनों के बीच जिसके भी आप गलत विचारधारा रखते हो किसी के बारे में या किसी को गलत बोलते हो, तो क्या विकास संभव हो पाएगा? ये प्रश्न आपके लिए है, जरूर सोचिएगा कि क्या किसी के बारे में गलत कहने से या फिर किसी के बारे में गलत विचारधारा रखने पर, किसी के लिए गलत महसूस करने पर कि भाई वो व्यक्ति गलत है, या फिर उसके लिए घृणा करना, उसको नफरत का पात्र बना देना, क्या आपके अच्छे रिश्ते कभी जिंदगी में ऐसी दूरियों के बीच निभा पाओगे? कभी नहीं निभा पाओगे, फिर भी आप सोच के मुझे बताइएगा कि क्या ये संभव है, इतनी दूरियों के बीच किसी चीज का विकास हो पाएगा? बताइए। दया करो दयालु, यहाँ पर बात की गई है, फिर वापस बच्चे कह रहे हैं कि हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, जात पात, छुआछूत और ऊंच नीच जैसी बुराइयां जो समाज में विद्यमान है उनको हम हटा पाए, इतनी कृपा हमारे ऊपर करो और हम पूरे समाज को प्रेम सूत्र में बांध पाए। ठीक है, जात पात, ठीक है, और ये सारी चीजें इसे समाज के विकास में आगे चलते हैं। भारत के हम नन्हे बच्चे तुमसे ऐसा कर पाए, यहाँ पर बच्चे वादा प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हम छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, हम इस समाज से ये सारी कुरीतियां दूर है, सब कुछ नकारात्मक दिक्कत है, इनको समाज से बाहर निकाल कर फेंकना चाहते हैं, आपसे एक वरदान मांग रहे हैं, आप दया करो,
कि हम ये सारी चीजें समाज से बाहर निकाल इतनी अच्छी पहल है ना कि कुछ छोटे बच्चे इतनी अच्छी विचारधारा से समाज का विकास करने के लिए तत्पर आपस के झगड़ों को मिटा कर देखिए बच्चे छोटे छोटे बच्चे क्या कह रहे हैं कि आपस के झगड़ों को मिटाकर ठीक है यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने बात की है कि आपस के झगड़े जो झगड़े हैं वो छोटे सा एक छोटा रूप है ये बाद में जाकर जब हम किसी से लगातार झगड़े करते रहते हैं तो एक ये विशाल रूप धारण कर लेता है जो भी विकास में बाधा उत्पन्न करता है ईर्ष्या द्वेष का को दूर बनाता है जो नफरत है हम किसी से नफरत करते हैं ऐसी भावनाओं को समाज से निकालकर कहते हैं मनो की भीतर से मन जो हमारे मनुष्य जो मन है दुर्गेय है उससे भी इसको बाहर निकालकर फेंकना है भारत माँ का कष्ट करना हम सब भारतवासी हैं भारत में रहने वाले लोग हैं जब सभी लोग आपस में प्रेम से रहेंगे सुख शांति से रहेंगे खुशियों से रहेंगे सभी के बीच में खुशहाली होगी तो हमें इन चीजों को समाज से निकालना होगा एक तो आपसी झगड़े का जो भाव है वो भी हमें यहाँ से निकालना होगा और दूसरा ईर्ष्या द्वेष को भी हमें अपने मन के भीतर से निकालना होगा भारत माँ का कष्ट हटाकर सुख समृद्धि को भारत माँ का कष्ट हटाकर भारत माँ का कष्ट क्या है भारत माँ का कष्ट है कि जब हम लोग समाज में रहते हैं तो आपसी भाईचारे से नहीं रहेंगे और हमारे समाज की भीतर जात पात द्वेष ईर्ष्या ऊंच नीच का भाव रहेगा तो भारत माता कैसे खुश रहेगी क्योंकि भारत माता में के पूरे पूरे हमारे भारत में जितने लोग रहते हैं वो एक ही परिवार के सदस्य अगर माने जाए और एक ही परिवार में ये सब चीजें होंगी तो बताइए कभी परिवार में खुशियां आ पाएंगी नहीं आ पाएंगी आगे चले सुख समृद्धि को पाएगा क्या करें अगर हमारे हम जो विद्यार्थी हैं छोटे छोटे जो बच्चे कह रहे हैं ये सब हाथ से निकालकर हम सभी और खुशहाली सुख समृद्धि का विकास करें प्रचार भारत के हम नन्हे बच्चे खुद से ऐसा कर पाए यहाँ पर बच्चे बार बार एक ही बात बोल रहे हैं विद्यार्थी छोटे छोटे कह रहे हैं नन्हे नन्हे बच्चे कि हमें आप वरदान दो ताकि हम ये सारी चीजें कर पाए कर्तव्य मार्ग पर डट जाए कर्तव्य मार्ग एक ऐसा मार्ग होता है बेटा जहाँ पर आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए जाना है ठीक है ऐसा मार्ग जहाँ पर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उस रास्ते को अपनाना है अच्छी अच्छी चीजें करनी है अच्छाइयां बनाए रखनी है सकारात्मक विचारधारा को बढ़ाना है ऐसे मार्ग पर चलने वाले मार्ग को कर्तव्य मार्ग कहते हैं और यहाँ पर छोटे छोटे विद्यार्थी कह रहे हैं कि कर्तव्य मार्ग पर हम क्या हो जाए डर जाए आगे चले देश की सेवा करना है अगर जब सारे हमारे समाज में ही कुरूपियां रहेंगी तो हम देश की सेवा कैसे करेंगे तो देश की सेवा करने से पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि जो देश में फैली हुई ठीक है ये जो देश में फैली हुई ये कुरूपियां हैं जात पात ईर्ष्या द्वेष सबको बाहर निकालेंगे लोगों के मन को खुश रखेंगे उनके उनका जो मानसिक तनाव है जो इन कुरूपियों के कारण कहीं कहीं उनकी सोच उनकी विचारधारा को प्रभावित कर रहा है उनको जब हम खत्म कर लेंगे तो देश की सेवा हम कर पाएंगे ठीक है जीवन अपना सफल बनाए और जब हम ये कार्य कर पाएंगे तो जीवन क्या हो जाएगा हमारा सबका जो जीवन हो जाएगा वह बहुत ही ज्यादा सफल हो जाएगा भव सागर से भव सागर का मतलब होता है संसार रूपी ठीक है संसार रूपी सागर को हम पार कर पाए दया करो दयालु भगवान यहाँ बार बार बताया गया है के दया करो के दयालु भगवान भारत के हम नन्हे बच्चे उनसे ऐसा बनवा कितने छोटे छोटे बच्चों में कितनी अच्छी विचारधारा का जन्म यहाँ पर हुआ है कि छोटे छोटे बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने आसपास के समाज में देखा होगा और आपसे भी एक प्रश्न है क्या आपने ऐसा नहीं अपने आस पास देखा है जहाँ पर आपको ये चीजें दिखाई दे रही है
तो अगर आपने अपने आसपास देखा है तो ये केमिकल जो है ये एकदम आपकी और इशारा करके आपके प्रेरित करके आपको कि हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी है और सदैव प्रेम भाव का संचार करना है। लोगों के मन में जो बुराइयां हैं उसको निकालना है, उनके मन में अच्छे अच्छे विचारों का निर्माण करना है। ठीक है, तरीका समझ आए बेटा? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ जो है वर्ड मीनिंग्स है, शब्द अर्थ है, कोई बार लिख लेते हैं। यहाँ पे वर्ड मतलब होता है वरदान, दूसरा है भाव यानी भावना यानी फीलिंग्स। ठीक है, कष्ट मतलब होता है दुख। जब हमारे मनुष्य के शरीर में किसी प्रकार का कष्ट होता है तो वह किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से नहीं कर पाता या अच्छे रूप में नहीं कर पाता। ठीक है, भव सागर यानी संसार रूपी सागर मैंने आपको बताया था। मार्ग मतलब होता है रास्ता। ठीक है, सूत्र मतलब भाग। यहाँ पर पीछे आपका निकाल खड़ा होगा कि किस सूत्र में बनना है, प्रेम के सूत्र में, प्रेम के धागे में हमें फिर इसको बांधना है। और आगे समृद्धि मतलब होता है क्या होता है, कुछ बच्चे भगवान से क्या वरदान मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, क्या मतलब बच्चे भगवान से क्या मांग रहे हैं। बच्चे भगवान से वर यानी वरदान मांग रहे हैं। भारत के बच्चे किन किन बुराइयों को दूर करना चाहते हैं, किस किन बुराइयों को दूर करना चाहते हैं आप बताइए। हाँ जी, वेरी गुड। आगे बच्चे किसका कष्ट दूर करना चाहते हैं, किसका करना चाहते हैं, कई सेवा किसकी करना चाहते हैं, भारत माता की सेवा करना चाहते हैं, कष्ट किसका दूर करना चाहते हैं। प्रश्न है, बच्चे किसकी सेवा करके अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं, बच्चे किसकी सेवा करके अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं। सोचिए सोचिए, बच्चे किसकी सेवा करके अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं। देश की एक बच्चे का जब जन्म होता है तो उसका एक परिवार है। आप इस बात तो मानेंगे कि ये जो विकास की जो प्रक्रिया है, जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है, अगर आप उसको देखेंगे तो बच्चा जो है एक परिवार में जन्म लेता है और उस परिवार में कुछ समय तक वह रहता है, उसके बाद वह बाहर जाता है, समाज से जुड़ता है, समाज से जुड़ने के बाद वह विद्यालय जाता है, विद्यालय के बाद वह देश विदेश से जुड़ता है। ये प्रक्रिया है, जो ये चलने वाली प्रक्रिया है, ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती है। तो जब हम देश की सेवा कर पाएंगे तो जो है हमारा जीवन क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। समझ आ गया बच्चा, वेरी गुड। कवि ने निम्नलिखित पंक्तियों को पूर्ण करने के लिए दूसरे प्रश्न में कहा, पहला है आपस के डैश को मिटाकर। आपस के किसको मिटाना है, देखिए आराम से। हाँ जी, आपस के किसको मिटाना है बताइए। हाँ जी, जैसे आपके सामने है तो हम बताएंगे आपस के झगड़ों को। आपस के झगड़ों को मिटाकर डैश को दूर भगाएं। किसको दूर भगाना है, देश को दूर भगाकर भारत माँ का क्या मिटाना है, भारत माँ का कष्ट हटाकर आगे क्या करना है, हमें सुख समृद्धि को पाना। किसको पाना है, सुख आपस के झगड़ों को मिटाकर। ये जो पुरानी पंक्तियां हैं आपकी, शायद तो सुना रही हूँ, आपस के झगड़ों को मिटाकर ईर्ष्या द्वेष को दूर भगाकर भारत माँ का। आपस के झगड़ों को मिटाकर
केशव देश को दूर उठाकर भारत माँ का कष्ट हटाकर सुख समृद्धि होगा। ये चारों जो शब्द हैं ये कविता में आपको चले हम ठीक है। अगला है डैश पर डट जाए देश की डैश कर पाए जीवन अपना डैश बनाए डैश से डर जाए ठीक है। कविता में देखिए पहला है कर्तव्य मार्ग पर डट जाए देश की सेवा कर पाए जीवन अपना सफल बनाए भक्त सागर से डर जाए। तो क्या है कर्तव्य मार्ग पर डट जाए देश की सेवा कर पाए जीवन अपना सफल बनाए भक्त सागर से डर जाए ठीक है। यानी देश की यानी कर्तव्य मार्ग करना है कर्तव्य मार्ग पर डट जाए देश की देश की हाँ बताइए वेरी गुड सेवा वेरी गुड जीवन अपना क्या बनाएंगे सेवा करके वेरी गुड सफल बनाए डैश से तर जाए किससे तर जाए हम सब ठीक है। आपको कोई भी अगर देखने में परेशानी हो रही है कोई भी आपकी कविता अंतिम पंक्तियां हैं ये वाली कर्तव्य मार्ग पर डट जाए देश की सेवा कर पाए जीवन अपना सफल बनाए और सागर से ठीक है। चलिए आगे अगला प्रश्न है शब्द का अर्थ से रेखा खींचकर सभी मिलान कीजिए जो ये शब्द सारे दिए गए हैं इनको इनसे मिलान करना है कि कौन सा शब्द किसको बताता है वर मतलब क्या होता है जो कविता की वर यानी ठीक है। पहला क्या है वर यानी वरदान। अगला है भाव सा भाव भाव का मतलब क्या होता है फीलिंग्स तो भाव मतलब अगला है भाव सागर क्या है भव सागर का मतलब होता है संसार की सागर अरे वाह वेरी गुड। अगला है मार्ग मार्ग क्या है मार्ग मार्ग मतलब क्या होता है जिन रास्तों में चलना है ठीक है मार्ग मतलब रास्ता अरे वाह समझ आ गया बच्चा वेरी गुड। अब है अगला समृद्धि समृद्धि का मतलब होता है क्या होता है आपको समझ आया वर मतलब होता है वरदान भाव मतलब भावता सागर मतलब संसार सागर मार्ग मतलब रास्ता और समृद्धि मतलब खुश ठीक है। बहुत आसान शब्दों में आपको ये समझ आ गई नीचे दी गई प्रार्थना की पंक्तियों को सरल शब्दों में लिखना है। ये प्रश्न बिल्कुल आपके ऊपर है कि जो ये पंक्तियां लिख रही है जात पात का भेद भुलाकर क्या मतलब है इसका कि जो समाज में फैली हुई जाति प्रथा है ठीक है जाति प्रथा को समाज से हटाकर समाज को अच्छा अगर समाज में जाति प्रथा बनी रहेगी तो समाज का विकास नहीं होगा। छुआछूत का भूत बाबा प्रसिद्ध सिद्धांतों में छुआछूत को समाप्त कर ऊंची का भाव हटाकर जो ऊंच नीच की जो भावना है पूरे संसार
मार्ग पर डट जाए। कर्तव्य मार्ग कौन सा मार्ग है, मैंने आपको बताया था। कर्तव्य मार्ग वह रास्ता जहां पर लक्ष्य की प्राप्ति हो। ऐसे रास्तों में भी हमें चलना है। देश की सेवा कैसा, देश की सेवा कैसे होगी, देश की देश सेवा होगी जब आप देश से ये सारी चीजें निकाल दोगे तो देश की सेवा कर पाओगे। जब आप अच्छी विचारधारा, ठीक है ना, और सबको खुश रख पाओगे, सबके अंदर नकारात्मक के जो भाव उसको निकाल दोगे, उनके अंदर सकारात्मक विचारधारा को जब आप उत्पन्न कर पाओगे अंदर, तब हमारे देश की सेवा हम लोग कर पाएंगे। देश की सेवा का मतलब होता है सभी लोगों को हम शुभ बनाए। सभियों का जीवन अपना देश की सेवा कर पाए, सभी लोगों को जब शुभ शुरुआत करना कर देंगे तब हम सेवा। जीवन अपना सफल बनाए, सफल का यहाँ पे सफल तभी होगा जब हम सारी नकारात्मक विचारों को समाप्त कर सागर से कर जाए, जो संसार की करेंगे हमारे समाज में विद्यमान रहेगा तो समाज का विकास करना संभव नहीं होगा। की भावना को प्रकट करना है हमें प्रेम सूत्र में। जब ये तीनों चीजें ठीक हो जाएंगी तो हम लोग क्या होगा, आपसी भाईचारे प्रेम प्रेम के साथ हम लोग आपस में कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। कर्तव्य मार्ग में लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम लोग सदैव तैयार रहना है। हमारे हमारा लक्ष्य क्या है, कर्तव्य मार्ग क्या है, पूरी कविता आपको ये कहने की कोशिश कर रही है कि हमारा एकमात्र कर्तव्य जो भी हमारे सामने सम्मुख हमारे खड़ा है वो है ये जितनी भी बुराइयां यहाँ पर बनाई गई है उसको समाज से निकाला और समाज को शुद्ध वातावरण देना। देश की सेवा करना है, देश की सेवा सभी लोग जब आपस में अच्छी विचारधारा को रखेंगे तब ये देश की सेवा संभव हो सके। जीवन अपना सफल बनाए, ठीक है, और जीवन तभी आप सफल बना पाओगे अगर जब तक हम पूरे समाज में जो नकारात्मक विचारधारा जब तक किसी भी कोने में मौजूद है देश को सफल नहीं बना सकते। तो हमें उस मानसिकता को ऐसी गलत विचारधारा को समाज से निकालना है तभी हमारा देश हमारा समाज शुद्ध वातावरण शुद्ध हवा को ले पाएगा और एक नए समाज का निर्माण होगा जहाँ के चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली होगी। वह सागर से कह जाए और हम संसार के सागर से वो पार उसके बाद आपको समझ आ गया होगा बेटा। आगे चलते हैं, सही विकल्प पर सही का चयन करें, ठीक है, जो आपको ठीक लगता है उसके आगे का चयन। पहला प्रश्न आपसे मिलेगा, आप मुझे बताएंगे बच्चे भगवान से किस सूत्र में बन जाने का वरदान मांग रहे हैं, बताइए आप मुझे कविता का प्रश्न। तो उसमें से पहला है छोर सूत्र के सूत्र में बनना, मतलब नकारात्मक के सूत्र नकारात्मक की थाली में बनने की बात कर रहे हैं। नहीं अच्छी प्रेम के सूत्र में सोचिए जापात मुझे तो ये तो सारी चीजें हैं, ये नकारात्मक चीजें क्या है, नकारात्मक चीजें हैं। यहाँ पे जो बात की गई है वो है आपके प्रेम की सूत्र।
बच्चे भगवान से किसी को लुभाने का वरदान मांग रहे हैं। केशव देश को, भारत माँ को, सुख समृद्धि को, ये दयालु भाव आप सोचिए कि इसको भगाने की बात कर रहे हैं, दूर भगाने की केशव देश जो नफरत की जो भावना है हमारे संसार के लोगों के बीच में जन्म ले चुकी है, उसको समाज से, लोगों के मन से बाहर निकालो। बच्चे भगवान से किसको सफल बनाने का वरदान मांग रहे हैं बताइए। बच्चे भगवान से किसको सफल बनाने का वरदान मांग रहे हैं? क्या बच्चे भगवान से देश को सफल बनाने का वरदान मांग रहे हैं, या भाव सागर को सफल बनाने का वरदान मांग रहे हैं, या जीवन को सफल बनाने का वरदान मांग रहे हैं, या कर्तव्य को? कर्तव्य को जीवन को सफल बनाने का वरदान मांग रहे हैं। अगला प्रश्न है भाषा ज्ञान का, लैंग्वेज स्टडी जो है उसको बताया गया है नीचे लिखे शब्दों के विपरीत पर, विपरीत मतलब उसके अपोजिट यानी विलोम बताने हैं। प्रार्थना से छुटकर निर्देश का हो गया, जैसे उदाहरण के तौर पर भवन है, निर्देश का मतलब हो गया दया, तो घृणा का क्या होगा? हाँ जी, घृणा का क्या होगा? कर्तव्य मरण का, मरण का क्या होगा? नीचे दिए गए शब्द को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। बिल्कुल आपके लिए ये प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द को अपने वाक्य में प्रयोग करना है। चार वाक्य बताइए जिसे मैं आपकी मदद के लिए बता दूं। चार वाक्य एक शब्द है जो कि समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है? तो आप सही वाक्य बनाएंगे। चार वाक्य हमारे समाज में बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है? किस चीज के लिए? विकास के लिए। जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, तब ये जो जापा है वो हमारे समाज में क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है। समृद्धि क्या है? खुशहाली। जब हम लोग समृद्ध हो जाते हैं, जब हमारे आसपास में खुशहाली का वातावरण होता है, तो हम हर कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। भवसागर क्या है? संसार रूपी सागर को पार कर, ठीक है? जब हम कठिनाइयों में होते हैं, जब कठिनाइयां पार हो जाती है, तो कहते हैं हमने भवसागर को पार कर। ये बिल्कुल आपके ऊपर है, ये आप करेंगे अपने अर्थ, अपने शब्दों के प्रयोग से इनको आपको करना है। छुआछूत, छुआछूत का क्या करना है? कैसे अपने शब्द वाक्य बनाएंगे क्या होगा छुआछूत का? हाँ सोचिए सोचिए। हाँ जी, छुआछूत हमारे समाज क्या करता है? क्या करता है हमारे समाज में? वेरी गुड। छुआछूत हमारे समाज को एक एक बुराई की तरह से है हमारे समाज में, तो छुआछूत को हमें हमारे समाज से निकाल कर फेंकना होगा। वेरी गुड। और प्रेम सूत्र, जब हमारे समाज से ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा इनका जब खत्म हो जाएगा, अपने समाज को किसमें बांधेंगे? प्रेम सूत्र में बांधेंगे, ठीक है? अब आपको कोई और परेशानी है इसमें, याद कर लेंगे। अगला है पढ़िए और समझिए। जो ये सवाल आपसे है, आप बताएंगे द्वंद समाज के दो पदों के बीच, युगल शब्द के बीच, सहचर शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे अंदर बाहर इधर उधर आगे, ठीक है? आप कविता में से जो योजक चिन्ह है उन शब्दों को चुनकर यहाँ लिखना है, ठीक है? तो क्या क्या है? एक है
मिलते हैं अगली क्लास में, अगली कक्षा में, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। हैप्पी लर्निंग।